औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपको सिखाते हैं हाइड्रोजन बोहर थ्योरी के अंदर, बोहर थ्योरी जो आपने 9 में भी पढ़ी, मैट्रिक में नहीं है, और फर्स्ट ईयर में जो बोहर थ्योरी हमारे पास है, कल हमने उसका रेडियस किया था, थोड़ा सा आगे आइए, रेडियस किया था। आज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बोहर थ्योरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट हो रहा है, उसका जो है उसकी एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे एज वी नो दैट टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी, ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत बन गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। यानी एनर्जी हमारे पास साइंस में दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक होती है और एक पोटेंशियल होती है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल को मैं प्लस कर दूंगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना भाई। तो अब सबसे पहले मैं काइनेटिक निकालूंगा, फिर पोटेंशियल निकालूंगा। पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, हेयर पोटेंशियल एनर्जी बुक में हमारे पास डायरेक्ट मौजूद है, उसे हमें ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास डायरेक्ट मौजूद है, वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो एक मसला तो हमारा हल हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गई। अब अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो मैं दोनों को क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो अब उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ रेडियस। रेडियस की जो कल हमने जो डेरिवेशन करी थी, उस डेरिवेशन से हम एक बीच में से फॉर्मूला उठाएंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यह हमने कल की रेडियस की इक्वेशन के बीच से एक फार्मूला उठाया, जो हमने कल की करी थी, उम्मीद है आपको याद होगी, हमने ये डेरिवेशन करी थी, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास R है और ये भी R है, इस R को ही नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अकेला हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई R, और नीचे होगा R का स्क्वायर। तो एक R ऊपर होगा हमारे पास, दो R नीचे हैं, तो आप कहेंगे सर ये कैंसिल कर दें, जब कैंसिल कर देंगे तो ये बन गया एम वी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन R। अब मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर यानी 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये एम वी स्क्वायर आ गया, सही। अगर मैं इसके बराबर में 1/2 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, या आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1/2, तो 1/2 यहाँ भी आ जाएगा और 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बन गया 1/2 एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का। तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी, देखिए भाई इसकी जगह पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और आगे क्या लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर वन जा जेड स्क्वायर और टू आर जा आर स्क्वायर टू आर, ठीक है, दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको नाम दे दें इक्वेशन वन का। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के ई एंड पी ई इन इक्वेशन वन, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, ये आपने खुद से लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये वाली एंड पोटेंशियल एनर्जी ये वाली इन इक्वेशन वन। सो इक्वेशन वन इस फॉर्म में बनेगी कि टोटल एनर्जी बराबर हो गई, पहले क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो के ई क्या है जेड स्क्वायर अपॉन टू आर, और फिर साइन है प्लस का, ठीक है, फिर साइन है प्लस का, तो प्लस के बाद क्या है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर अपॉन आर यहाँ नीचे टू आर है, प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर आर, ठीक है। अब इसका या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लें आप, और या आप इसको ऐसे कर लें कि जेड स्क्वायर अपॉन आर जो है ये पूरा जो है वो एक दफ़ा लिखा हुआ है, और ये जेड स्क्वायर अपॉन आर के साथ टू है नीचे, तो ये हाफ लिखा हुआ है,
या आप एलसीएम लेके कर लें, ये ज़्यादा आसान है। दोनों का एलसीएम आएगा 2R। सही। ये 2R से 2R कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, और ये R से R कैंसिल तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ZE2। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये 2R ऐसे ही है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2ZE2 में से एक ऐसी 1ZE2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, ZE2, और बड़े वाले का साइन आ जाएगा। ठीक है ना, तो बड़े वाले का साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी। लेकिन इसके आगे हम जो है इसको रेडियस की वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे, यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुई। तो जब अगर हम यहाँ पर रेडियस की वैल्यू अगर लिखें कि रेडियस जो था हमारे पास एज, जैसा कि हम पिछली डेरिवेशन से जानते हैं कि रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास जो हमने कल कैलकुलेट किया वो हमारे पास था n²h²4π²mZ²। ये हमारे पास फॉर्मूला था, तो अब इसको हम यहाँ पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे 2R की जगह। ठीक है ना, 2R, 2 के बराबर में R की जगह। तो जब इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाएगा। सही है। तो जब भी कोई वैल्यू डिवाइड के नीचे डिवाइड आती है तो देखें, मैं उसको इस तरह लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि ये अब लिखेंगे पुट इन अबव, यानी R की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ZE2 माइनस ZE2, फिर ये कौन सा साइन है, डिवाइड का, तो यहाँ लगा दिया हमने डिवाइड का साइन। सही है। बराबर में क्या है, 2, फिर क्या है रेडियस, और रेडियस की वैल्यू ये पूरी आ गई, क्या है n²h² डिवाइड बाय 4π² mZ²। ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 2 2 2 4, टोटल एनर्जी माइनस ZE² डिवाइड n²h², तो नीचे बचेगा 2π² mZ²। सही है। अब इस डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, तो हम बचपन से जानते हैं राइट हैंड वाली साइड जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो माइनस ZE² जब इसे बनाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो 2π²mZ² डिवाइडेड बाय n²h². ठीक है भाई। तो मेरे पास मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास टोटल एनर्जी क्या बन रही है, ये माइनस साइन, कितने जेड हो गए, एक जेड ये है और एक जेड ये है, ZE², दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, दो इलेक्ट्रॉन वो हैं, e की पावर 4, ये है कांस्टेंट नंबर, ये मेरे पास रहा 2π² m, और नीचे n²h², ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये पहले ले आते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस पहले लिख लिया, फिर नंबर लिख लिया, फिर ये भी कांस्टेंट नंबर है ये पहले आ गया, फिर ये m आ गया, और फिर Z²e²4n²h², तो ये हमारे पास जो है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, जो एक इलेक्ट्रॉन जो है बोहर थ्योरी के मुताबिक अगर रोटेट कर रहा हो अपने ऑर्बिट पे, तो उसको कितनी एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस होगी या रेडिएट करेगा, गेन करेगा, लॉस करेगा, जो भी करेगा, उसका टोटल एनर्जी का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया।